अगर आपका भी फोन पानी में गिर जाए और उसके स्पीकर से कम आवाज आए तो आपको क्या करना चाहिए? चलो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अच्छा ठीक है बता रहा। सबसे पहले आपको अपना फोन सामने रखना है और मंत्र का जाप करना है। मजाक मस्ती साइड में आते हैं मुद्दे पे। अगर आपका फोन पानी में गिर जाता है तो सबसे पहले उसे किसी सूखे कपड़े से उसको साफ कर लेना है। बहुत लोग का फोन गिर जाता है तो उसे वो धूप में रख देते हैं या हीट कर देते हैं किसी चीज से, या तो चावल के अंदर डाल देते हैं। अगर आपका फोन ऑन है तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर या सफारी जो भी आपके पास है उस पर सर्च करना है आपको फिक्स माई स्पीकर, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा उस पर आपको टैप कर देना है और उसके बाद आपके स्पीकर से साउंड बाहर आएगी और इसके साथ आपके स्पीकर से पानी भी बाहर आ जाएगा। इसको करीब आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक चलाना होगा और आपके स्पीकर से सारा पानी बाहर आ जाएगा। और आईफोन्स वगैरह वाटरप्रूफ होते हैं और पानी में गिरने के बाद इनके स्पीकर से कम आवाज आती है। इसको भी आप फिक्स माई स्पीकर पे जाके अपने स्पीकर से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। और सेकेंड केस क्या होता है कि आपका फोन पानी में गिर जाता है और उसके बाद वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने फोन को किसी सूखे कपड़े से साफ कर लेना है और इसके बाद आपको अपने फोन को चावल के अंदर डाल देना है। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि चावल आपके चार्जिंग पिन वगैरह में ना चला जाए, इस हिसाब से आपको रखना है। फिर इसके बाद आप इसको करीब आधे घंटे तक छोड़ सकते हैं। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फोन से ये काफी सारा पानी बाहर निकाल देता है। और इसके बाद आपको अपना फोन ऑन करके देखना है, ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेम काम करना है जो मैंने पहले बताया, आपको सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर और टैप करके आपको सारा पानी बाहर निकाल देना है। और नहीं ऑन होता है तो आप अपने आसपास किसी भी सर्विस वाले के पास जा सकते हैं, वो 100-150 रुपए लेगा और आपका फोन ठीक करके दे देगा। ज्यादा देर तक पानी में गिर जाता है तो काफी सारे फोन खराब हो जाते हैं, उसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। बट अगर आपका फोन तुरंत पानी में गिरता है और उसको आप तुरंत निकाल लेते हैं, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका फोन बच जाए और आपको पैसे खर्च करने ना पड़े। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि अगर आपका फोन पानी में गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए। और मिलते हैं हम लोग ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मेरे 932 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से 1K करा दो। और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।